डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वक्त ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं कि हम अपनी जो डेफिनेशंस हैं उनको सारी की सारी डेफिनेशन जो हैं उनको इन टर्म ऑफ नॉर्म स्पेस के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं हम बेसिकली। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट इससे पहले मैट्रिक्स स्पेस में या जो कॉन्सेप्ट हमने कैलकुलस में पढ़े हैं उनको हम वन बाई वन उनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। अब मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो इन द फॉर्म ऑफ नॉर्म स्पेस, और नॉर्म स्पेस के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि नॉर्म स्पेस के अंदर यू नो इन अ नॉर्म स्पेस यू हैव अ वेक्टर स्पेस एंड दे आर नॉर्म इज डिफाइंड ऑन दैट वेक्टर स्पेस। तो हम जो भी चीज़ें हैं वो हम नॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर वी विल हैव दिस कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इन टर्म ऑफ नॉर्म, देन वी हैव बेसिस इन द नॉर्म स्पेसिस एंड देन वी हैव बेसिस इसलिए क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो आपके पास वही कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिस का इधर आएगा एंड देन कंप्लीशन ऑफ नॉर्म स्पेसिस। इसका थ्योरम की जो स्टेटमेंट है सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे लेकिन हम इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनिट सीरीज। अब कन्वर्जेंस ऑफ इन्फिनिट सीरीज के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डिफाइन एज वी हैव इन द केस ऑफ कैलकुलस। अब कैलकुलस के अंदर आपके पास जो सीरीज है वी कैन एसोसिएट विद एक्स। आपके पास इफ यू हैव अ सीक्वेंस एक्स के, एक्स के इज अ सीक्वेंस और उस सीक्वेंस के साथ वी कैन एसोसिएट अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विच इज एस एन एंड इट इज डिफाइंड बाय एस एन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो ऑन एक्स एन। अभी तक हमने कहीं भी नॉर्म को यूज नहीं किया। दिस इज द सेम डेफिनेशन which we have in the case of calculus. X के आपके पास sequence है और उस sequence के साथ आपने sequence of partial sum जो कि Sn है उसको हमने relate कर दिया and that partial sum Sn is defined by x1, x2 and so on up to xn and where this n varies from 1 up to so on. 1, 2 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे वैल्यूज के ऊपर रन करेगी क्योंकि आपके पास ये एक के की वैल्यूज आपकी वेरी कर रही हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो इफ दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विच इज एस एन इफ दिस इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट मींस लेट से एस एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एस को, तो हम कहते हैं कि आपके पास जो है ये एक जो जो इन्फिनिट सीरीज है विच इज समेशन आई फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी एक्स आई जो कि आपके पास एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो ऑन है। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो वी से दैट दिस सीक्वेंस दिस सीरीज which is x1 plus x2 so on is also it also convergent. ये सीरीज भी जो है वो कन्वर्ज कर रही है एंड इस केस में जब हम नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। इस केस में जब हम एस एन कन्वर्जेस टू एस कर रहे हैं तो इस केस में आपके पास जो बनेगा कि एस एन माइनस एस नॉर्म दिस अप्रोचेस टू जीरो। कि ये जो चीज है नॉर्म के केस में जो कन्वर्जेंट है दैट इज डिफाइंड बाय कि एस एन जो है एस एन माइनस एक्स नॉर्म इज अप्रोचेस टू जीरो। इफ दिस नॉर्म इज अप्रोचेस टू जीरो देन वी से दैट ओके एस एन इज कन्वर्जेस टू दिस एस एंड आल्सो इफ वी हैव द फॉलोइंग सीरीज विच इज x norm x1 norm plus x2 norm plus
so on, if this series converges, then we say that the series summation I from 1 to infinity xi is absolutely convergent. ठीक है, तो somehow हमने सीरीज के कन्वर्जेंस को और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस को इन टर्म ऑफ नॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस. अब बेसिस के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको याद होगा कि वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं, इफ आई से ओके e1 e2 एंड सो ऑन से en आर एलिमेंट्स ऑफ बेसिस. ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ बेसिस का मतलब यह है कि उसको वो स्पैन भी कर रहे हैं, स्पैनिंग सेट में है, एंड देन दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और स्पैन कर रहे हैं, तो स्पैन करने का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप x ले रहे हो, दैट x इज गिवन बाय x इज इक्वल टू अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस सो ऑन अल्फा n en, वेयर दिस e1 e2 en जो है वो आपके लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और x उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. तो इस केस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ नॉर्म, दिस इज जस्ट x माइनस अल्फा 1 e1 प्लस अल्फा 2 e2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n en, इसकी जो नॉर्म होगी दैट नॉर्म इज अप्रोचेस टू जीरो. If this condition holds, then we call it as a basis in the norm space. तो इस कन्वर्जेंस और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के बाद वी हैव अनदर नेचुरल क्वेश्चन, एंड दैट इज के इन केस ऑफ नॉर्म स्पेस, जब हमने कहा था कि नॉर्म स्पेस अगर कंप्लीट है तो यू कॉल इट एज अ बनाक स्पेस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बनाक स्पेस. क्या ऑलवेज आपके पास नॉर्म स्पेस के अगेंस्ट आपको एक बनाक स्पेस मिल सकती है कि नहीं मिल सकती. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वी हैव दिस थ्योरम व्हिच इज कॉल्ड थ्योरम, जिसको हमने कंप्लीशन का नाम दिया है, कंप्लीशन थ्योरम है. तो इसकी हम स्टेटमेंट अभी करेंगे, लेकिन हम इस थ्योरम को अभी प्रूफ नहीं करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. द स्टेटमेंट इज लेट एक्स बी अ नॉर्म स्पेस. एक्स आपके पास है नॉर्म स्पेस, then there is a Banach space x hat. के अभी जो हमने तो इस statement अभी तक जो इस theorem की statement, इसका मतलब यह है कि आपके पास जब whenever you have a norm space, then उस norm space के against आपको एक Banach space मिल जाएगी. मतलब अगर वो itself Banach space है, फिर तो वो वही x hat x के बराबर है, लेकिन अगर वो itself एक complete नॉर्म स्पेस नहीं है, देन इट मीन्स कि आपके पास है, देन देर इज अ बनाक स्पेस एक्स हैट. एंड एन आइसोमेट्री ए फ्रॉम एक्स ऑन टू सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि आपके पास एक्स इटसेल्फ, तो अगर वो इटसेल्फ आपके पास एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस नहीं है, तो वो जो आपने एक कंप्लीट बनाक स्पेस ली है उस x के अगेंस्ट, उसका एक सबस्पेस होगा w, जो कि आपके पास मैप x जो है वो ऑन टू होगी उस w के ऊपर. x ऑन टू अ सबस्पेस w के सब, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास इफ यू हैव दिस x और x के साथ आपके पास पूरे का पूरा जो है वो x हैट है, तो उसके अगेंस्ट आपको एक w मिल जाएगा, जो कि आपके पास इस x हैट का सबस्पेस है, लेकिन वो x के साथ उसके साथ जो मैप बन रही है वो ऑन टू बन रही है. ऑन टू मीन के सारे x के एलिमेंट्स हैं वो उसके ऊपर, आप w के एलिमेंट्स उसके अंदर कवर हो रहे हैं. ठीक है,
एंड विच इज डेंस इन एक्स हैट. डेंस आपको याद होगा, डेंस का मतलब था कि दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. ठीक है, तो वो डब्ल्यू जो है वो आपके पास उसके अंदर डेंस होगा. इट मीन्स कि आपके पास जो इसके इस केस में डब्ल्यू के सारे जो हैं वो सीक्वेंसेस हैं, उसके जो लिमिट्स पॉइंट्स आएंगे उसके तमाम कलेक्शन को, दैट इज के सारे के सारे उसके अंदर कंटेन कर रहे होंगे लिमिट पॉइंट्स. हो ये आपके पास इस केस में डब्ल्यू जो है वो डेंस होगी. एंड दिस द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस स्पेस इज यूनिक. दिस एक्स हैट इज अ यूनिक एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज. एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई और स्पेस आई दो डिफरेंट स्पेसिस हैं, अल्टीमेटली वो दोनों डिफरेंट स्पेसिस जो हैं वो आपके पास एक दूसरे के आइसोमेट्री होगा. आइसोमेट्री होगा तो आपके पास जो बेसिकली वो एक अल्टीमेटली यूनिक है. मतलब अगर आप कह रहे हो कि दो डिफरेंट हैं लेकिन वो आपस में आइसोमेट्री उनकी एग्जिस्ट करती है, देन मीन्स इट इज अगेन द सेम यूनिक वन. तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि आपके पास कोई भी नॉर्म स्पेस होगी, उस नॉर्म स्पेस के अंदर यू विल हैव अ बनाक स्पेस. एंड सेकेंडली कि उस बनाक स्पेस के अंदर एक ऐसा डब्ल्यू सबसेट होगा जो कि सब स्पेस होगा बेसिकली, वो ऑन टू एक्स ऑन टू होगा उस स्पेस के ऊपर, और वो स्पेस इटसेल्फ जो होगी वो डेंस होगी इसके अंदर एक्स हैट के अंदर. ठीक है, कि वो उसके सारे सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा होगा. एंड देन दिस स्पेस एक्स हैट जो है वो आपके पास यूनिक है एक्सेप्ट फॉर आइसोमेट्रीज. आइसोमेट्रीज स्पेसिस मिलती रहेंगी लेकिन अल्टीमेटली आपके पास यू हैव वन स्पेस एक्स हैट.